वेलकम टू फूडिस्तान। मैं स्वाति कांवर शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ पनीर बटर मसाला की रेसिपी। ये काफ़ी रिच और क्रीमी डिश है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आपको इसको बनाने के लिए भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बनाना। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 250 ग्राम पनीर। इनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के किसी भी शेप में इनको कट कर लें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 6 टमाटर। टमाटर की जो क्वांटिटी है वो इसमें ज़्यादा डलती है, इनको मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट करा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक प्याज ली है, प्याज इसमें कम डलती है और इसको भी थोड़ा मोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक चम्मच चीनी, चीनी यहाँ पे डालनी ज़रूरी है क्योंकि ये जो टमाटर की खटास है उसको बैलेंस करेगी। 10 से 15 काजू मैंने यहाँ पे लिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है और इससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है तो इसलिए मैंने ये वाली ली है। 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, इसको आप क्रश करके डालें। 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अमूल ब्रांड की फ्रेश क्रीम ली है, ये इजीली अवेलेबल होती है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 तेज़पत्ता, 7 लहसुन, 1 इंच अदरक और 1 छोटे साइज़ की हरी मिर्च, 5 चम्मच बटर की और इनके साथ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल की भी लेनी है, हरा धनिया जो हम आखिर में डालेंगे। अब आप एक कढ़ाई लें और उसमें 2 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच तेल की डाल के उसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लें। और जब ये अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें ये काजू, तेज़पत्ता, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज इन सबको डाल के कुछ सेकंड के लिए इनको ऐसे ही लगातार चलाते हुए पकाएं। फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है और फिर उसमें ये टमाटर डाल दें, इनको एक बार अच्छी तरीके से मिला दें। और अब आप इस पॉइंट में ही नमक डाल दें ताकि आपके जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएं। साथ में ही ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इनको अच्छे से मिला लें। अब इनको मिलाने के बाद फ्लेम को आप लो पे करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक दें। 2 मिनट बाद इनको फिर से एक बार चला लें। इस पॉइंट में आप नोटिस करेंगे कि आपके टमाटर जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप इसमें ये 1 कप पानी डाल दें जिससे कि आपके जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। इनको अब आप अच्छी तरीके से एक बार मिला लें और फ्लेम को अब आप लो टू मीडियम करके इनको आपको कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है। बीच में 3-4 मिनट बाद आप इनको 1-2 बार चला लें। ये देखिए टमाटर जो हैं वो अच्छे से मैश होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इनको फिर से ढक दें और 10 मिनट बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए ये अच्छी तरीके से मैश हो रहे हैं। इस पॉइंट में आप फ्लेम को बंद कर दें और इनको पूरा अच्छी तरीके से ठंडा कर लें। और इनको ठंडा करने के बाद आप ग्राइंडिंग जार में डाल दें और इसमें से जो ये तेज़पत्ता है इसको निकाल दें। अब इनको अच्छी तरीके से आप पीस लें। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आपको पीसने के बाद अपना जो पेस्ट है वो थोड़ा दरदरा लगता है तो आप उसको थोड़ा सा छान लें, इससे जो आपकी ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। अब आप फिर से एक कढ़ाई लें, उसमें 3 चम्मच बटर और 1 चम्मच तेल डाल दें। तेल डालना ज़रूरी है, इससे जो बटर है वो जलता नहीं है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसको भी अच्छी तरीके से आप मिला लें। फ्लेम अभी आपको मीडियम ही रखनी है और उसमें जो ये पेस्ट हमने बनाया था इसको डाल दें। और ये जो ग्राइंडर में अभी भी पेस्ट लगा हुआ है इसमें 1/4 कप पानी डाल के इसको मिक्स करके ये भी डाल दें। अब इनको अच्छी तरीके से मिला लें। ये देखिए अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देखेंगे इसमें कितना चेंज आता जा रहा है। अब फ्लेम को मीडियम से लो पे करके इसको आप 4 मिनट के लिए ढक दें। 4 मिनट बाद आप इसको एक बार फिर से चला लें। ये देखिए थोड़ी थिक होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब इस पॉइंट में हमको चीनी डालनी है, नमक अगर ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। गरम मसाला, कसूरी मेथी ये सब अभी डाल दें और अब इनको अच्छे से मिला लें।
इनको आपको लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए ढकना है। 2 मिनट बाद इनको अच्छे से मिला लें और अब इस पॉइंट में इसमें पनीर के जो पीसेस हैं वो डाल दें। फ्लेम आपको लो ही रखनी है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिलाने के बाद इस पॉइंट में अब आप इसमें ये जो 2 चम्मच क्रीम की डाल दें। क्रीम और पनीर डालने के बाद हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इनको अच्छे से मिला लें। ये देखिए, इसको आपको बहुत ध्यान से मिलाना है क्योंकि पनीर जो है वो हमारी टूट भी सकती है। अब बस आप इसको आखिरी 1 मिनट के लिए और पका लें। 1 मिनट बाद इसमें ये कटा हुआ धनिया डाल दें। इसको अच्छे से मिला लें। ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आई है। ये कितनी रिच और क्रीमी लग रही है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। फ्लेम को बंद कर दें। हमारी पनीर बटर मसाला तैयार है। चलिए इसको अच्छे से सर्व करते हैं। ये रही हमारी पनीर बटर मसाला। इसमें मैं ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। है ना, इसको बनाना कितना आसान। आप इसको रोटी, पराठे, राइस किसी के भी साथ खाएं, ये सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सो ये है मेरी पनीर बटर मसाला की रेसिपी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट पे बताएं आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जल्दी से कर लें और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।